एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश में यात्री विमानों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके चलते विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, फिर पूरी जांच पड़ताल के बाद विमानों को रवाना किया गया। इसकी वजह से सैकड़ों यात्री घंटों तक परेशान हुए। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। साथ ही CISF, NIA और IB को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं देर शाम केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने DGCA प्रमुख विक्रम देव दत्त को पद से हटाते हुए कोयला मंत्रालय में सचिव बना दिया है। इस बदलाव को धमकी वाले मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश में यात्री विमानों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके चलते विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, फिर पूरी जांच पड़ताल के बाद विमानों को रवाना किया गया। इसकी वजह से सैकड़ों यात्री घंटों तक परेशान हुए। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। साथ ही CISF, NIA और IB को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं देर शाम केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने DGCA प्रमुख विक्रम देव दत्त को पद से हटाते हुए कोयला मंत्रालय में सचिव बना दिया है। इस बदलाव को धमकी वाले मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है।